इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि 999 में 3 डिजिट है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 है, और 578 इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट 3 है। इसका मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक 578 × 999। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट निकाला था मल्टीप्लिकेंट का, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 578। तो ये 578 3 डिजिट नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये 2 डिजिट नंबर होता तो 100 से, 1 डिजिट नंबर होता तो 10 से, 3 डिजिट नंबर है इसलिए 1000 से, 4 डिजिट नंबर होता तो 10000 से सब्ट्रैक्ट करते कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2, 2 और 4, यानी कि 422। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यानी कि स्टेप 2 में 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 578 माइनस 1 यानी कि 577। तो जो हमारा आंसर होगा 578 × 999 = 577 422। तो इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि 57 × 999 को मल्टीप्लाई कैसे करना है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट यानी कि 57 में 2 डिजिट है और मल्टीप्लायर में यानी कि 999 में 3 डिजिट है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेंट को 3 डिजिट का बना देंगे। तो 57 को हम लिख सकते हैं 057, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटू 999। अब हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी कि स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, हमारा स्टेप 1 में हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 057। तो 057 3 डिजिट नंबर है, तो हम इसको 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो 057 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, तो कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा 943। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो हमारा 057 माइनस 1 यानी हो जाएगा 056। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से 57 × 999। तो पहला स्टेप 2 का रिजल्ट 056, फिर उसके बगल में स्टेप 1 का रिजल्ट यानी कि 943, तो हमारा आंसर हो जाएगा 56943। इसी तरीके से अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं, 568 कोई भी नंबर ले लें 3 डिजिट का, और यहाँ पे 9999 4 डिजिट का नंबर ले लें या 5 डिजिट का। तो यहाँ पे 568 में 3 डिजिट हैं, तो हम इसको क्या कर दिए, 568 को आगे 2 जीरो लगा दिए, तो 00568 हो गया मल्टीप्लाई बाई 999 यानी कि 99999। तो सेम प्रोसीजर हो जाएगा स्टेप 1 का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 00568। तो ये 5 डिजिट का नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 100000 से, तो 00568, तो हमारा आंसर होगा 2। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा 2, 3, 4, 9, 9। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो
568 - 1 हमारा हो जाएगा 567। तो हमारा आंसर हो जाएगा 568 × 9999 हो जाएगा 567 99 432। अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेंड का डिजिट जो होगा वो मल्टीप्लायर से ज्यादा होगा, यानी कि 5678 × 99। यहाँ पे क्या करेंगे, 5678 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप वन में क्या करेंगे, 5678 × 99 इस तरीके से लिख लेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे, 56 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, 57। यानी कि हम क्या करेंगे, 99 में 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट ले लिया। उसी तरीके से 5678 के 2 डिजिट को छोड़ देंगे, जितने डिजिट बचेंगे उसको लेके उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 5678 में 56 बच रहा है तो उसमें 1 ऐड किया तो 57 हो गया। ये हमारा स्टेप टू हो जाएगा। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, 5678 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, ये 5 आएगा। स्टेप फोर में क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 78 यानी कि 100 - 78 जो आएगा 22। तो आंसर होगा क्या, 562122। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, 4276 × 999। तो यहाँ पे 476 × 999, तो ये हमारा स्टेप वन हो जाएगा। स्टेप टू में क्या करेंगे, 3 डिजिट छोड़ देंगे मल्टीप्लिकेंट का, 3 डिजिट छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 4। उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। अब स्टेप थ्री में क्या करेंगे, 4276 यानी कि गिवन नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4271। अगला स्टेप और हमारा लास्ट स्टेप होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 276 यानी कि 1000 में से 276। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7 यानी कि 724 हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होगा, यानी कि 4276 को जब हम 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4271 यानी कि स्टेप थ्री का जो रिजल्ट आया है, और उसके जस्ट राइट साइड में कॉम्प्लीमेंट से जो रिजल्ट हमें मिला है यानी कि 724। तो हमारा आंसर आ गया 4271724। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही ट्रिक्स के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।